गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, चैप्टर रिवीजन पुनरावृत्ति। अब आज हम करेंगे प्रश्न 12। नीचे लिखी संख्याओं को अवरोही घटते क्रम में लिखो। हमने कल क्या था, आरोही क्रम, बढ़ते हुए क्रम में, अब अवरोही घटते हुए क्रम में, बड़े से छोटा। ठीक है, तो देखो प्रश्न क्रम में क्या है, 529, 364, 732, 174, सब तीन तीन अंकों के नंबर है, तो वो तो समान हो गए। तो हम लास्ट का नंबर चेक करेंगे, ये चेक करना है हमें कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। हमें इसमें क्या करना है, हमने कल जो क्या था वो था आरोही क्रम में, तो हमने सबसे छोटे नंबर से स्टार्ट किया था, अब हम कर रहे हैं सबसे बड़े नंबर से। तो देखिए इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा, 5, 3, 7, 1, कौन सा नंबर बड़ा हुआ, 7। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, 7 के नंबर क्या है, 729। फिर उसके बाद में 529 के बाद में 364 और फिर उसके बाद में 174। देखो याद है ना, घटते क्रम में सबसे बड़ा नंबर, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। ठीक है, ऐसे ही भी आपका है प्रश्न ख, इसमें 322 देखिए, तीनों चारों नंबर है जिसमें तीन तीन अंकों के नंबर है। हमने पहला नंबर सबका चेक करा, सबसे बड़ा नंबर उनमें से कौन सा है, 3, 1, 8, 1, तो कौन सा नंबर बड़ा हुआ, 8 का। तो हम सबसे पहले लिखेंगे 835, उसके बाद में हम लिखेंगे 3, 322। फिर उसके बाद में देखो एक के वापस दो नंबर है, 101 और 110, एक के बाद का नंबर चेक करो, यहाँ पे क्या है, 1, यहाँ पे क्या है, 0, कौन सा नंबर बढ़ा हुआ, 1 या 0, 1 बढ़ा हुआ, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 110 और फिर 101 नंबर। ठीक है, ऐसे फिर ये हो गया। फिर आपका आया प्रश्न ग, 520, 530, 550, 505, ये तो आपको वैसे ही समझ में आना होगा, सबने पांच पांच नंबर है, शुरुआत पांच से, पांचवी नंबर है। तो देखिए इससे आगे का नंबर चेक कर लो, पांच के बाद का, 2, 3, 5, 0, सबसे बड़ा नंबर कौन सा हुआ, पांच का नंबर, हम क्या लिखेंगे, 550। इसके बाद लिखेंगे 3, 530, फिर 520 और फिर 505। आया समझ में, एक बार मैं फिर से समझा दूं, समझ लीजिए आप लोग, है ना। देखिए क्या कहा हमने, इसमें चार नंबर है, चारों के अंकों के समान है, तीन तीन अंकों के नंबर है, तो हम सबसे लास्ट का नंबर चेक करते हैं, 5, 3, 7, 1, 5, 3, 7, 1 में सबसे बड़ा नंबर कौन सा हुआ, 7, तो 7 का नंबर हमने ले लिया। फिर उसके बाद में 5, 5 का नंबर लिख दिया। फिर उसके बाद में 3 का नंबर, 364 और फिर 174। ऐसे ही प्रश्न ख में भी 322, 101, 835, 110, सबसे बड़ा नंबर तो हम चेक कर रहे, आखिरी नंबर 3, 1, 8, 1, तो बड़ा नंबर कौन सा हुआ, 8, तो हमने लिख लिया 835। फिर आया 322, फिर 110 और फिर 101। ऐसे प्रश्न ग में 520, 530, 550, 505, सबसे बड़ा नंबर 550, 530, 520, फिर 505। अब प्रश्न 13, छायादार भाग के लिए भिन्न सामने बने बॉक्स में लिखें, बने हुए बॉक्स में आपको उसके भिन्न लिखने हैं। भिन्न लिखने के लिए हमेशा ध्यान रखना, छायादार भाग बटे कुल भाग, टोटल जो भाग होते हैं वो लिखा जाता है। तो देखो यहाँ पर कितने भाग हैं, 1, 2, 3, 4, 4 हैं, और उसमें छायादार भाग कितने हैं, 3, 1, 2, 3, इसमें छाया बनी हुई है ना, तो हमेशा ध्यान रखना भिन्न लिखने के लिए छायादार भाग बटे चार सारे जो टोटल भाग होते हैं वो लिखा जाता है। तो देखो छायादार को हम लिखा 3/4, 4 है भाग, इसलिए 4। ऐसी प्रश्न ख में
छायादायक कितने हैं? दो, तो दो लिख दिया, बटे टोटल कितने हैं? एक दो तीन, तो दो बटे तीन, ठीक है। फिर है खाली स्थान भरो, प्रश्न कह रहे हैं 50 रुपए का एक नोट, तो 10-10 रुपए के कितने नोट होंगे? आप लोग सामान खरीदने जाते भी होंगे ना, तो देखा होगा होगा आपने 50 रुपए के का नोट है, तो 5-10 के कितने नोट होंगे 50 रुपए में? तो 10 से 50 को भाग देके देख लो, 10 बन जाए 50, तो 5 नोट। 50 रुपए में कितने नोट हुए 10-10 के? 5। फिर 100 रुपए का एक नोट, तो उसमें 20-20 रुपए के कितने? तो 20 से भाग देके देखो 100 को, 20 बन जाए 100, तो 5 नोट हो गए। ऐसे ही गांव में है 3 रुपए 50 पैसे हैं,